हेलो गाइस, कैसे हो आप? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे गाइस। तो आपका अपना चैनल है यूनिक मेडिसिन, और आज हम आए हैं गांव की तरफ। अपने गांव आए हैं तो मैं आपको दिखाने वाला हूं हमारे गांव में हमारा क्या क्या सेटअप है। तो सारी चीज़ें मैं आपको बारी बारी से दिखाता हूं गाइस। सबसे पहले ये हमारा लघु उद्योग है। तो लघु उद्योग के अंतर्गत हमने यहाँ एक कोलू और एक स्पेलर लगाया हुआ है। तो ये सबसे पहले कोलू का कांटा हो जाता है, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो गाइज ये कांटा है, इसको धर्म कांटा बोलते हैं। और यहाँ सबसे पहले जो होता है गन्ना, यानी गन्ने का जो ट्रैक्टर ट्रॉली या बैलगाड़ी है वो आती है, और गन्ने की बैलगाड़ी इस पर हम तोलते हैं। तो गाइज ये हमारा रात में सोने का है बेडरूम है, इसको बेडरूम कम जो है यहाँ ऑफिस कह सकते हैं गाइस। ये गन्ना तोलते हैं, यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, ये कांटा लगा हुआ है हमारा। यहाँ पे जो है सामने की तरफ ट्रॉली को खड़ा करते हैं और वहाँ से फिर गन्ने को तोला जाता है, और यहाँ पेमेंट करते हैं। ये पूरा जो है एक हमारे मुंशी जी बैठते हैं यहाँ पर, वो पूरा हिसाब देखते हैं। और गाइस ये हमारा फिर रात में हम यहाँ सोते हैं, और इसके बाद हमारा शुरू होता है नेक्स्ट जो हमारा काम है गाइस, वो है स्पेलर का। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, ये हमारा स्पेलर है गाइस। ये सरसों के तेल हम लोग मैन्युफैक्चर करते हैं, सरसों का तेल हमारे स्पेलर पर बनता है। और यहाँ पर ये कांटा लगा हुआ है, गेहूं की पिसाई भी होती है। ये अभी नया स्पेलर लगाया है, इससे पहले पुराना वाला था हमारा, उधर सामने की तरफ आप देख सकते हैं। तो ये गेहूं रखे हुए हैं पूरा पिसाई करने के लिए गाइस, ये पूरा गेहूं की पिसाई होती है यहाँ इस तरह से, और यहाँ चावल निकलता है, ये चावल निकालने वाली मशीन है। तो गाइस यहाँ चावल निकलता है, और यहाँ सरसों निकालने वाली मशीन है, मतलब मस्टर्ड ऑयल यहाँ बनाते हैं, उसमें डालकर उसको क्रश करने के बाद में मस्टर्ड ऑयल निकलता है। तो गाइस ये हमारा छोटा सा सेटअप है आपको मैं जो दिखा रहा हूँ, ये हमने काफ़ी मेहनत से काफ़ी हार्ड वर्क करके इसको इंस्टॉल किया है, काफ़ी मेहनत की है इसको बनाने और लगाने में। सामने हमारा पावर का कनेक्शन है, जनरेटर इन्वर्टर वगैरह ये सारे लगे हुए हैं इसको चलाने के लिए। ये छोटा वाला था पहले, तो अभी इसकी जगह ये बड़ा वाला लगा दिया है। तो गाइज ये हमारा स्पेलर का सेटअप हो जाता है। अब मैं आपको दिखाता हूँ हमारा कोलू, यानी जिस पे हम लोग गन्ना को जो है क्रश करते हैं, रस निकालते हैं, और साथ ही उससे जो है गुड़ बनाते हैं। तो गाइज हम घुस गए हैं कोलू के एरिया में, यहाँ पे कोलू लगा हुआ है गाइज, आप देख सकते हैं गन्ना पूरा बिखरा हुआ है, गन्ना का स्टॉक हो रखा है। ये हमारा छोटा वाला सेटअप है, इससे बड़ा एक सेटअप है वो काफ़ी दूर है, वो काफ़ी बड़े लेवल का है। तो आज के इस ब्लॉग में हम इस छोटे सेटअप को ही दिखा रहे हैं। तो गाइज ये जो है कोलू पे हम लोग राब बनाते हैं, मतलब हमारे यहाँ कोलू पे राब बनती है, और इस राब का जो यूज़ है वो अलग अलग होता है। तो ये यहाँ पर राब बनती है गाइस। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि कोलू को कैसे चलाते हैं। तो गाइस ये सामने की तरफ पूरा गन्ना फैला हुआ है, पूरा स्टॉक आप देख सकते हैं, और ये पूरा गन्ने का स्टॉक है गाइस। यहाँ पर भट्टी है, और भट्टी में जो है यहाँ राब बनती है गाइस। देखिए वो कारीगर भट्टी को साफ कर रहे हैं, और सामने की तरफ पूरा गन्ना है, स्टॉक हो रखा है। और ये हमारे फैजान भाई हैं, और यहाँ ये जो है अलग अलग भट्टी हैं आप देख सकते हैं, और यहाँ इन भट्टी से जो है राब को पकाकर, और ये पूरा यहाँ पे राब बनती है जो मैंने अभी आपको दिखाई थी सामने की तरफ लगी हुई है। और गाइज अभी मैं आपको दिखाता हूँ गन्ने की पेराई कैसे होती है, यानी गन्ने को क्रश कैसे करते हैं। तो गाइज ये हमारा गन्ने की पेराई चल रही है, राम राम मामा। ये देखिए ये सामने गन्ना पिराई चल रहा है, रस निकल रहा है ताज़ा ताज़ा गाइस। गन्ने का रस किडनी के जो पेशेंट होते हैं, स्टोन के पेशेंट होते हैं, उनके लिए काफ़ी फायदेमंद होता है। तो ये हमारे मम्मा हैं, ये देखभाल करते हैं यहाँ पर, और सामने मिस्त्री साहब हैं, और ये हमारे पूरे वर्कर्स हैं। राम राम भैया। अभी मैं बाहर हूँ, और अभी ये देखिए गन्ने की पेराई चल रही है गाइस। मैं अपने वीडियो में आपको बताता हूँ कि हाँ बढ़िया बढ़िया गाइस, ये जो गन्ने का रस होता है ये स्टोन और किडनी के पेशेंट के लिए काफ़ी अच्छा होता है गाइस, और ये बहुत अच्छी चीज़ होती है, नेचुरल रेमेडी आप कह सकते हैं। और देखिए पूरा सेटअप लगा हुआ है गाइस, ये पूरा पिराई चल रही है गन्ने की। तो गाइस ये देखिए इस तरह से पिराई होती है, अगर गलती से मेरा मोबाइल गिर गया तो क्रश हो जाएगा, इसलिए मुझे काफ़ी सावधानी रखनी पड़ रही है गाइस इसमें।
और अभी मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए रस निकल रहा है, ये पूरा रस देखिए, यहाँ हमारे मिस्त्री साहब दिखा रहे हैं रस, ये देखिए पूरा पिराई चल रही है, रस गिर रहा है। गाइज हमारे बहुत सारे ऐसे व्यूवर्स हैं जिनको इसके बारे में जानकारी नहीं होगी तो वो भी देख सकते हैं। तो गाइज ये इस तरह से पूरा रस निकलता है और इसको स्टोर किया जाता है सामने के टैंक में, और इस टैंक से रस सामने जाता है, भट्टी में पकता है। अब थोड़ा देख लेते हैं मैकेनिकल सेटअप क्या है। तो गाइज ये मैकेनिकल सेटअप है, पूरा इन्वर्टर वगैरह जनरेटर वगैरह लगे हुए हैं, लाइट से पूरा ये चलता है, साथ ही डीजल इंजन लगा हुआ है, 6 सिलेंडर का डीजल इंजन है। सब तरफ गन्ने का स्टॉक है, देखिए गाइस गन्ना पूरी तरफ लगा हुआ है। तो दोस्तों ये देखो, ये अभी पूरा कढ़ाई में गन्ना का रस जो है वो पकेगा, और ये पकने के बाद नेक्स्ट इस कढ़ाई में जाएगा, उसके बाद आगे जाएगा, और फाइनली जो है इससे राब बन जाएगी। तो गाइस ये काफ़ी लंबा चौड़ा सेटअप हो जाता है, और अभी मैं आपको दिखाता हूँ जो वर्कर्स हैं, जो बेचारे गरीब मजदूर हैं, वो किस तरह से अपनी रोज़ी रोटी चलाते हैं। ठीक है, तो यहाँ आप देख सकते हैं एक बड़ा सा फील्ड है सामने की तरफ, और ये यहाँ पर इसको पकाने के लिए इस तरह से देखिए यहाँ पर आग लगाई जाती है, आग जलाकर इसको पकाते हैं। और जो वर्कर्स हैं वो अभी सुबह सुबह खाने की तैयारी कर रहे हैं, और इसके बाद ये लोग अपने काम में लग जाएंगे। क्या नाम है बेटा आपका? चलो कोई नहीं, क्या नाम है बेटा आपका? राम राम बाबा। क्या हो रहा है बेटा, खाना खा रहे हो? अच्छा, तो गाइज ये एक छोटा सा सेटअप था, ये अभी हमने दिखाया आपको। आई होप कि ये ब्लॉग आपको ठीक लगा होगा। तो गाइज कमेंट करके बताइए कैसा लगा आज का ब्लॉग, और कैसे आपके यहाँ भी किस तरह से इसी तरह से क्या ये सारी चीज़ें होती हैं। और गाइज एक मज़े की चीज़ मैं आपको दिखाने वाला हूँ, देखिए हमारा एक जो वर्कर हैं वो काफ़ी हार्ड वर्क करते हैं, इस गाड़ी को ले जाते हैं धक्का मार के, और इस गाड़ी से ये जो गन्ने का जो, क्या नाम है आपका? रामू जी। आप तो बहुत पुराने वर्कर हैं यहाँ पे ना, काफी दिनों से काम कर रहे हैं, कितने सालों से काम कर रहे हैं? हाँ मतलब 10-15 साल हो गई हैं आपको, जब मैं छोटा सा हुआ करता था तब आप यहीं काम कर रहे थे ना। ओके, तो काफी हार्ड वर्क है आपका ना, ये देखिए लोग कितनी मेहनत करते हैं दोस्तों, और हमारे जनता के पैसे को ये नेता मंत्री खा जाते हैं। देखिए लोग कितनी मेहनत करते हैं जिंदगी में, ये देखिए गाड़ी लेकर जा रहे हैं। तो चलिए गाइस फिर ब्लॉग खत्म करते हैं। ओके, सेफ रहिए, अपना ख्याल रखिए, और वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।